तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं अभी जो टीज़र आया है आदि पुरुष का, तो लेट्स तो गेट देखिए जी। स्टार्टेड। तो यहाँ पे आ गया है ट्रेंडिंग में, पहले नंबर पे चल रहा है आदि पुरुष ऑफिशियल टीज़र। प्रभास, सैफ अली खान, प्रीति सैनन। ओके जी, तो हमने स्टार्ट कर लिया है इसको। तो इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एक मतलब पुराना रामायण की तरह दिखाया गया है कि कैसे बंदा तपस्या कर रहा है पानी के बीच में। और जो VFX हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी आपको इसके अंदर मेरे यहाँ पे तो 1080 दिख रहे, बट आई गेस कि 4K तो होगी। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। तो जैसे कि आप देख सकते हो, प्रभास की जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है कि वो कैसे गोश्त को तीर से मारता है। ऑल दो VFX आर गुड, बट एज यू ऑल नो कि ये रामायण की कॉपी या फिर रामायण का एक मॉडरेट वर्जन है, तो VFX के हिसाब से ठीक लग रही है, इतनी कोई बुरी नहीं लग रही। ओ डैम, लुक एट दिस मैन, ये क्रिएचर देख रहे हो आप, क्रिएचर कितना जेन्युइन लग रहा है। मतलब लुक एट दिस मैन, लुक एट हिज टीथ, आई डोंट नो इफ इज मेल और फीमेल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरावना बनाया गया। ओ माई गॉड, ने इसका बहुत ही बढ़िया एक सैम्पल या एग्जाम्पल हमें दिख रहा है। और इसके अंदर आप देख सकते हो जो हमारा मेन बंदा है यहाँ पे, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ये देखिए जी रावण का, ओ डैम, रावण के मुंह काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करे गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा पिक्चरी टाइप तो है, लेकिन दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये बेसिकली रामायण के रूप में, तो ऑब्वियसली वी नो कि VFX तो होंगे ही, बट देर इज़ नथिंग टू कम्प्लेंट अबाउट। अच्छे क्वालिटी के VFX लग रहे हैं, और डिजाइनिंग या फिर डिटेलिंग बहुत क्लियर दिख रहा है चीज़ों के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये फौज आ न्याय गई, के सॉरी दो फौज आ गई, पैरों ये से अन्याय के 10 सर कुचल देखिए। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत, ओह माय गॉड, लुक एट दिस मैन, दिस इज़ लुकिंग ग्रेट। मतलब बहुत ही बढ़िया है, अच्छे है VFX, काफ़ी अच्छी लगा है। और लग रहा है कि पैसे तो लगाए, 500 करोड़ अगर लोग कह रहे हैं तो आई गेस दिख रहा है, काम दिख रहा है कि 500 करोड़ तो लगाए। ऑल दो अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि काफ़ी कार्टूनी या फिर गिमिक्स आया है, लेकिन ठीक है भाई, दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड ठीक है। कभी कभार चीज़ों को गिमिक ही होने चाहिए, हर चीज़ को आप रियलिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। यही अगर मार्वल की वीडियोज़ में होता है या मार्वल की मूवीज़ में होता तो लोग वर बी लाइक, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ शिट मैन, दिस इज़ क्रेजी, दिस इज़ क्रेजी, ये स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये फलाना ढिमकाना, उसमें ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन इस स्पेस में अलग लग रही है। इज़न्ट इट क्रेजी। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। लेकिन इसके अंदर ना जो लगता है मेरे को कि बहुत ज़्यादा जो पिक्चर है ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब एलेबोरेट किया गया है, या फिर सेचुरेशन वाइज ज़्यादा उनको है, तो कलर जो है बहुत ज़्यादा अननेचुरल लग रहे हैं, नियर टू नेचुरल नहीं लग रहे, विच इज़ काइंड ऑफ मतलब ठीक है, मतलब ठीक भी है या बुरा भी है, थोड़ा नेचुरल के करीब होता ना तो हम असल में इसको फील कर पाते। लेकिन मेरे को लगता है कि ये 3D में भी रिलीज़ होगी, तो इट्स अ मस्ट गो, और 4DX में हो तो आप बात ही मत करो। 2023 में रिलीज़ होगी तो टीज़र ही है। ओ डैम, प्रीति सैनन, हाय ओए, ये हनुमान जी का दिखाया ये सारा, मतलब पूरी ये मॉडर्न डे की रामायण है। ठीक है, कोई बच्चों को सीखने का मिलेगा, हमारे टाइम पे जो DDTV में आता था, आज के चैनल में तो नहीं आता, लेकिन ठीक है, इट्स काइंड ऑफ ओके, चलो कुछ नया तो आ रहा है, कुछ मतलब नए वे में सेम चीज़ को, मतलब
नई डिश को, मतलब पुरानी डिश को नई थाली में परोसा जा रहा है, लेकिन नई थाली की वजह से थोड़ा सा फील जो है वो अलग। ऑल्दो वी ऑल नो द स्टोरी, मतलब जो 90s के उनको तो स्टोरीज पता ही होगी। ये देख बहुत बहुत बढ़िया, मतलब बहुत VFX तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा लगा, अच्छा लगा VFX। आपको नेचुरल तो नहीं लगेगा, लेकिन आजकल के बच्चों को या फिर जो इसका मेरे को लगता है कि टारगेटेड ऑडियंस है वो मेरे ख्याल से बच्चे ही होंगे, तो उसके हिसाब से तो अच्छी लग रही है, कोई बुरी तो नहीं लग रही। लुक एट दिस मैन, तो 12 जनवरी 2023 को ये रिलीज़ होगी। ये था एक छोटा सा टीज़र, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस टीज़र की, तो ठीक है, इट वाज नॉट नेचुरल, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल था। कलर को बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड करा हुआ है, लेकिन VFX का यूज़ हुआ ही है। मेरे को लगता है मॉडर्न ज़माने में इंडिया के अंदर या फिर बॉलीवुड एडिक्टेड हो गया है। जैसे कि आप ब्रह्मास्त्र में देख सकते हो कि VFX का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, वैसे आप देख सकते हो कि आदिपुरुष में भी VFX का हद से ज़्यादा यूज़ करा गया है। और ये नेचुरल तो नहीं लग रहा ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द डिमांड्स इटसेल्फ, अगर डायरेक्टर को लगता है तो ठीक है, इतना कोई बुरा नहीं है। बाकी जब इसका ऑफिशियल ट्रेलर आएगा तो हम अपनी आपको लग रिएक्शन देंगे। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने ओपिनियन टिल दे। देन थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।